हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 10 की गणित विषय की वर्कशीट संख्या 38 और आज की दिनांक है 30 सितंबर 2020। तो अब त्रिकोणमिति तो हम जान चुके हैं, आज हम त्रिकोणमिति के प्रयोग सीखेंगे, यानी ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित जो शब्दावली है, यानी उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, आज हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम पुराना याद करते हैं जो हम सीख चुके हैं। यहाँ हमें चित्र दिया गया है, संलग्न चित्र में कोण बी की सम्मुख भुजा। अब कोण बी ये रहा, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है जल्दी बताओ, ए सी, शाबाश। और कोण सी की संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, ये रहा कोण सी, इसकी संलग्न भुजा कौन सी है, ये भुजा, ये है इसका आधार, तो इसे हम क्या कहते हैं, आधार। और कोण सी की सम्मुख भुजा को, अब कोण सी की सम्मुख भुजा क्या होगी, इसका कोण सी की सम्मुख भुजा होगी लंब। तो संलग्न भुजा जो है वो हो गई आधार, और जो सम्मुख भुजा है यानी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हो गया लंब। तो दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के हम बहुत से उदाहरण देखते हैं, उनमें से कुछ उदाहरणों के चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे हमें जब दीवार पर चढ़ना होता है या ऊंचाई पर चढ़ना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सीढ़ी का। तो ये दीवार और सीढ़ी के बीच में जो कोण बनता है ये है 90 डिग्री का, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ऐसे ही अगर हम किसी स्थान पर खड़े होकर किसी पेड़ के टॉप को देखें, यानी उसके शीर्ष को देखें, तो धरती के साथ यानी धरातल के साथ उसका कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज हो गया। और लाइट हाउस जो प्रकाश स्तंभ है, अगर उधर वहाँ से किसी जहाज को देखा जाए या जहाज से प्रकाश स्तंभ के टॉप को देखा जाए तो कोण कितना बन गया हमारा, 90 डिग्री। इसी प्रकार किसी बिंदु से हम जहाज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें, तो भी हमारे कोण कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। तो ये हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत से उदाहरण ढूंढ सकते हैं जिसमें हम समकोण त्रिभुज देख सकते हैं। तो अब आप अपने आसपास समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। तो इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए हम विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अब वो कौन सी शब्दावली है, आज हम वही सीखेंगे। तो सबसे पहला कोण है हमारा उन्नयन कोण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन, उन मतलब ऊंचा, नयन, तो हमारा किससे मिलकर बना है शब्द, ऊंचा प्लस नयन। नयन क्या है हमारा, आँख, यानी जब हम अपनी आँखों को ऊपर उठाकर किसी चीज़ की ओर देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट पर सी पर खड़ा है और वो किसी वस्तु को बी पर यानी ऊंचाई पर देख रहा है, तो ये हमारी लाइन हो गई, ये है उस व्यक्ति की आँख जहाँ से वो देख रहा है, तो ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा। और जिस तरफ वो देख रहा है यानी ये हो गई उसकी दृष्टि रेखा, यानी जिस दिशा में वो देख रहा है। तो दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है थीटा, इसको हम कहते हैं उन्नयन कोण, यानी हमने आँखों को ऊपर की ओर उठाकर वस्तु को देखा। तो ये है हमारा उन्नयन कोण, और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखने पर बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। ये क्षैतिज रेखा है, इसके ऊपर इसे हमने नापा है। और व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रेक्षक, तो जो प्रेक्षण कर रहा है उसे हम प्रेक्षक ही कहेंगे। अब बारी आती है हमारे दूसरे कोण की, अवनमन कोण। अवनमन, नमन, जब हम किसी को नमस्ते करते हैं तो झुककर करते हैं, तो यहाँ भी हम आँखों को झुकाकर किसी वस्तु को देखेंगे, यानी हम नीचे की ओर देखेंगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यानी अब हम यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए हम छत के ऊपर खड़े हैं और छत पे खड़े होकर हम नीचे सड़क पर कोई कार जा रही है या कोई व्यक्ति खड़ा है, हम उसको देख रहे हैं, तो उसे देखने के लिए हमें नीचे की ओर अपनी आँखों को झुकाना होगा। तो उस दिशा में, उस केस में हमारा क्या होगा, ये तो हमारी हो गई
कौन सी रेखा? दृष्टि रेखा। ये तो दृष्टि रेखा है जिस रेखा में हम व्यक्ति को देख रहे हैं या किसी वस्तु को देख रहे हैं। और यहाँ क्षैतिज रेखा क्या होगी? जमीन आसमान में, आकाश में जब हम ऊंचाई है वहाँ पर तो हम ज़मीन पे है नहीं। जो क्षैतिज रेखा हम स्ट्रेट ले लें तो वहाँ पर हम ज़मीन के पैरेलल यानी समांतर एक रेखा खींचते हैं। जैसे ये रेखा है हमारी, ये है क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा यानी इस रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में अब कोण बन रहा है ये। तो ये कोण थीटा जो है ये कहलाता है अवनमन कोण। कौन सा कोण कहलाता है ये? अवनमन कोण। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? कि ये कोण नीचे की ओर देखने पर बनता है तथा इस कोण को क्षैतिज रेखा के नीचे मापा जाता है। आप देख रहे हो यहाँ क्षैतिज रेखा के नीचे है, यहाँ कोण क्षैतिज रेखा के ऊपर था, यहाँ कोण क्षैतिज रेखा के नीचे है। तो ये हैं हमारे उन्नयन कोण यानी आँखों को ऊपर देखकर बनने वाला कोण, अवनमन यानी आँखों से नीचे की ओर देखकर बनने वाला कोण। अब देखते हैं आगे क्या है। अब आगे हमें दिया है ऊंचाई एवं दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि। तो अभी हमने शब्दावली सीखी है, अब हम देखेंगे कि जो इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे ऊंचाई और दूरी के, उन्हें हम किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है हमारा प्रश्नानुसार चित्र बनाएं। इससे हमें पता चले कि हमें नीचे से ऊपर की ओर देखना है या ऊपर से नीचे की ओर देखना है। चित्र पर कोण, बिंदु तथा माप अंकित करें। जो जो हमें गिवन है यानी दिया है, जो जो जानकारी हमें, हम उस चित्र में उसे अंकित करते हैं यानी लिखते हैं। अज्ञात माप को जानने के लिए अपेक्षित अनुपात यानी साइन, कॉस, टेन, थीटा, जो भी हमें चाहिए उसका हम प्रयोग करेंगे और फिर हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगे। तो ये हैं हमारे ऊंचाई और दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल करने की विधि, जिन्हें हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब है यहाँ पर कुछ प्रश्न। उन्नयन एवं अवनमन कोण के कोण में दो अंतर लिखिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण में अंतर क्या है? तो अभी आपको मैंने बताया था, पहला अंतर तो क्या है, अगर हम यहाँ लिखें ये है हमारा उन्नयन कोण और ये है हमारा अवनमन कोण, तो पहला अंतर क्या होगा इसका? पहला अंतर तो यही हो गया कि यह कोण ऊपर देखने पर बनता है। हम ऊपर की ओर देखते हैं तभी बनता है ना, तो ऊपर देखने पर बनता है। तो पहला तो अंतर ये हो गया। और इसके लिए क्या है यहाँ पर कि यह कोण कब बनता है? यह कोण नीचे देखने पर बनता है। जब हम नीचे की ओर देखते हैं, झुकते हैं, तब ये कोण बनता है। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि यह क्षैतिज रेखा के ऊपर नापते हैं कि नीचे? ऊपर, शाबाश, इसे क्षैतिज रेखा के या क्षैतिज रेखा के ऊपर मापा जाता है। तो ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। उसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यह है उसका बिल्कुल अपोजिट, क्षैतिज रेखा के कहाँ नापा जाता है? नीचे नापा जाता है। तो यह क्षैतिज रेखा के नीचे नापा जाता है। तो ये तो दो हमारे अंतर हो गए उन्नयन कोण और अवनमन कोण में। अब है ऊपर दिए गए उदाहरण तीन के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच बने कोण का नाम बताइए। अब यहाँ हमें चित्र दिया हुआ है, ये रहा हमारा जहाज और ये रही मीनार। तो इनके बीच में कोण क्या बन रहा है? अगर हम जहाज से मीनार की टॉप को देखेंगे तो बनेगा हमारा उन्नयन कोण, और अगर हम टॉप से जहाज को देखेंगे तो उस केस में बनेगा अवनमन कोण। तो लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही कोण दिखा रहे हैं, तो ये है हमारा कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर? उत्तर होगा हमारा उन्नयन कोण। तो ये भी हल हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है? निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। अभी हमने कहा ना कि प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले चित्र बनाना है और उसे नामांकित करना है। तो यहाँ अब प्रश्न क्या है? समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण बीटा तथा समुद्र में बादल की परछाई का अवनमन कोण अल्फा है। बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है।
तो अब हम इसका चित्र किस प्रकार बनाएंगे? ये मान लिया ये है हमारा समुद्र तल, इससे 65 मीटर ऊपर, ये तो यानी समुद्र की सतह हो गई हमारी, और 65 मीटर ऊपर ये हमारा कोई पॉइंट है। यहाँ से हम किसी बादल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये रहा बादल। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण, ये हमारा कोण कितना है? उन्नयन कोण बीटा है। तो ये तो कोण बीटा हो गया, खत्म चीज़। आप दूसरी बात क्या है कि समुद्र में बादल की परछाई, अब ये तो हमारे समुद्र की सतह है जिससे 65 मीटर ऊपर हमने बादल को देखा, अब समुद्र में बादल की परछाई, यानी बादल की परछाई यहाँ कहीं बनेगी, तो यहाँ तक के लिए अब हम उसी पॉइंट से नीचे की ओर देख रहे हैं, तो ये जो हमारा कोण बन रहा है अवनमन कोण, ये है हमारा अल्फा। और जो हमारी बादल की कुल ऊंचाई है वो है 518 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी ऊंचाई है वो 518 मीटर है। तो ये बन गया हमारा चित्र, नामांकित चित्र। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारे त्रिभुज बन रहे हैं उनके नाम लिख सकते हैं, ये ए, इसको बी दे दिया, इसे सी, यहाँ पर डी, ये ई, एफ। तो जितने भी हमें प्रतिच्छेदी बिंदु दिख रहे हैं उन्हें हम नाम दे देंगे, ए बी सी डी ई एफ या पी क्यू आर एस टी, जो भी आप नाम देना चाहें। तो आज हमें क्या रिवाइज करना है, उन्नयन और अवनमन कोण का अंतर। डेली लाइफ में आपको देखना है कहाँ कहाँ आपको समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, प्लस जो आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज है ऊंचाई और दूरी के, उसमें जो प्रश्न दिए हैं उनके अकॉर्डिंग चित्र बनाने का अभ्यास कीजिए और नामांकित कीजिए। हल हम अगली क्लास में करना सीखेंगे, आज आप चित्र बनाना सीखिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।